हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री सैम ब्लॉग्स। आज है बाली का डे वन, सो आज से बाली आइटिनरी का वीडियो शुरू होगा, सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। आज ये है मेरा आउटफिट और आज हम लोग जा रहे हैं पहला जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि है हंडारा गेट। हमने कैब बुक कर लिया है और ग्रैब से ही हम लोग जाने वाले हैं हंडारा गेट, एंड ये काफ़ी दूर है, अराउंड 65 किलोमीटर्स। सो चलिए चलते हैं। ये है अपना होटल, होटल का टूर मैं अलग से दे दूंगी, और ये है हम लोग का होटल का नेम, और आ गया है कैब। सो यहाँ पे एक मार्ट है जहाँ पे हमने अभी रुका है क्योंकि हम लोगों को लेना है खाना, भूख तो लगी गया है। सो यहाँ पे चलिए अंदर चलते, देखते हैं यहाँ का मार्ट कैसा है। कोल्ड कॉफी, बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, बट ऑलमोस्ट लुक वाइज तो सेम है, इंडिया जैसे ही है। बहुत दूर है हम लोगों के होटल से हंडारा गेट, सो मैं और सैम अभी बस सीट को रिक्लाइन करके थोड़ा सा नींद लेने का सोच रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हंडारा गेट, और ये है टिकट काउंटर और यहाँ है पार्किंग, और अब हम लोग जा रहे हैं हंडारा गेट के तरफ जो कि अभी मेरे को दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जस्ट एक सेकेंड। एंट्रेंस, एंड दिस इज द फेमस हंडारा गेट। अब सैम आप लोगों को बताएगा कि टिकट प्राइस क्या है और यहाँ फोटो लेने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। 50,000 इंडोनेशियन रूपी आपका एक टिकट का दाम है, सो हम लोगों ने दो लिया, सो ऑब्वियसली 1 लाख। एंड देन अगर आप फोटोज भी खिंचवाना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको 10,000 पर पर्सन, 10,000 इंडोनेशियन रूपी, दैट इज क्वाइट अफोर्डेबल। एंड आपको 4 मिनट्स मिलते हैं यहाँ पे, या आप उसमें वीडियो लो, फोटोज लो, या कुछ भी करो। ये देखिए जैसा यहाँ चल रहा है वैसा हम लोगों के साथ अभी नेक्स्ट होगा। हंडारा गेट में हम लोग जब आए हैं सुबह सुबह, तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगी, सुबह आइए, पूरा खाली था, हम लोग आराम से फोटोज वीडियोस यहाँ पे लिए हैं, इतना सुकून से कि क्या बताएं। सो आप ट्राई करिए 10 बजे के अंदर आ जाने का, तो यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है, लोग आके भी वापस चले जाते हैं, नहीं ले पाते हैं। सो ये सब अगर अवॉइड करना है तो सुबह आइए। कि हम आ गए हैं पार्किंग के पास, हम लोगों का जो कैब है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग के लिए, और अभी हम लोग जाएंगे हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है उलोंदानु टेम्पल। अब हम लोग आ गए हैं उलोंदानु टेम्पल। हम लोग आए हैं मंदिर के अंदर। ये टेम्पल ना लेक साइड बना हुआ है, जिसके वजह से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे धूप तो है बट गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा वेदर है अभी, 22 डिग्री। अच्छा गार्डन टाइप का बना हुआ है। और यहाँ पे भी मिनी हंडारा गेट है, बट
यहाँ का व्यू और वहाँ का व्यू में बहुत फर्क है. यहाँ आपको बैक में ब्लॉक है, सो बेटर है आप हंडारा गेट जाइए और उसके जस्ट 2.8 किलोमीटर्स पे ये मंदिर पड़ता है, तो फिर उसके बाद यहाँ आ सकते हैं. बहुत भीड़ है देखिए. एंट्रेंस है ये. वाओ, ये जगह कितना खूबसूरत है. थिंक ये है यहाँ का पंडित जी और यहाँ पे आज कुछ पूजा होने वाला है. मैं पहन लिया टोपी, बहुत धूप है बट फिर भी टेम्परेचर सही है यहाँ पे क्योंकि ये हिल में बेस्ड है. फ्लोटिंग टेम्पल यहाँ पे. और एक खास बात है, यहाँ पे ना जो मेन मंदिर है वहाँ पे टूरिस्ट लोगों का जाना मना है, तो ये उन लोगों का प्राइवेसी के लिए बनाया गया है एंड मंदिर भी इसमें क्लीन रहता है जो कि अच्छा बात है. सो हम लोग दूर से ये सब चीज़ देख पाएंगे और फोटोज ले पाएंगे. ये टेम्पल ना बहुत बड़ा है, इसको कवर करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा. बहुत अच्छा अच्छा प्लेसेस है, आप यहाँ पे अलग अलग जगह पे रुक के फोटोज खींच सकते हैं. धूप बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब तो गर्मी लगने लगी है बट कोई ना, घूमने तो आए हैं, टैन होने आए हैं, सो ठीक है चलता है. ओ वाओ, ये देखिए. यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है और इधर है बैठने की जगह, पार्क. वाओ, ये देखिए. और यहाँ पे पिरामिड टाइप का कुछ बना हुआ है और एक फोटो स्पॉट है यहाँ पे, वो उस साइड है. उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा और वो थोड़ा आइलैंड टाइप का है छोटू सा, तो वहाँ पे ऐसा पिक्चर्स आता है. देखिए श्री जी पानी पीते हुए, हाइड्रेटेड रखना जरूरी है. फिश को खाना देने के लिए 10,000 पर पर्सन है अंदर जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग खाना भी दे सकते हैं फिश को. यही था हम लोग का उलू ननु टेम्पल घूमना. अभी हम लोग बस थोड़ा बहुत लंच करना है और इसके बाद हम लोग लंच के बाद जाने वाले हैं तन्हालॉट, जहाँ पे फेमस है सनसेट. अभी के लिए फिलहाल मेरे को कैब बुक करना है और उसके बाद लंच करेंगे, यही प्लान है. क्योंकि उलू ननु टेम्पल्स है ना, ग्रैब आपको बहुत कम मिलता है, लिमिटेड कैब मिलता है. ये थोड़ा हिली एरिया है, दैट्स व्हाई. सो पहले हम लोग कैब बुक कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं तन्हालॉट के आसपास, फिर लंच करके चले जाएंगे मंदिर घूमने. यहाँ पे ग्रैब मिलना ना के बराबर है. हमने यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वहाँ से बात करके हम लोगों को एक टैक्सी मिल गया है बट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो वो 5 मिनट में अभी आएगा, देन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे.
सो फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं तानपुर लॉट, बट घुसने से पहले सोच रहे हैं खाना खा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे। और मैं एक शानदार व्यू देख रही हूँ, मैं थोड़ा सा झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए। अभी फिलहाल खाना खा लेते हैं इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये मिला है रेस्टोरेंट, खाली खाली सा है। हम लोगों को गार्लिक नान मिला है ऐसा और गार्लिक नान के साथ तुम क्या खा रहे हो? चिकन मसाला। और ये है मेरे लिए नासी गोडिंग। खाना ओवर हो गया है, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि धूप अभी भी कम नहीं हुआ है, सो हम लोग अभी थोड़ा सा स्पा के लिए जाते हैं। सत्यम ने एक ढूंढा है स्पा बगल में ही है जहाँ पर रेटिंग भी अच्छा लगा, सो वहाँ जाना सही रहेगा और तब तक तो धूप कम हो जाएगा और हम लोग टेम्पल जा पाएंगे। यहाँ शॉपिंग का बहुत सारा मार्केट है और रेट्स भी मैंने पूछा अच्छा है रेट्स। सो जो भी यहाँ पे आ रहे हैं पहले यहाँ से शॉपिंग करके फिर आप लोग टेम्पल जा सकते हैं, और बार्गेनिंग अच्छे से करना है बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो लोग पहले प्राइस बोलेगा, और आपको अगर बार्गेन करना आता है तो फिर तो बढ़िया जगह है आपके लिए। एक बैड न्यूज़, स्पा क्लोज्ड, किस्मत खराब है। स्पा तो अभी क्लोज है, सो हम लोगों को अभी मार्केट घूमना पड़ेगा, वही एक लौता ऑप्शन है। अरे बढ़िया, आपको मगरमच्छ देखना है? जल्दी से मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही खतरनाक टाइप का, ये देखिए। लेट्स गो टू बीच बेबी। अरे वाह, यहाँ पे तो एकदम फैशनेबल क्लोथिंग है और ये प्रॉपर बड़े बड़े शॉप्स हैं, स्ट्रीट शॉपिंग भी है यहाँ पे। बहुत सारे शॉपिंग का ऑप्शन है बिकॉज ये तन्हा लॉट टेम्पल ना बहुत ही कमर्शलाइज किया हुआ है, सो मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही था कि यहाँ पे खाने का जगह से शुरू करके शॉपिंग का जगह सब अच्छी से मिलेगा। और दूर आपको दिख रहा होगा हम पहुंच गए हैं। आई थिंक दिस इज द एक्चुअल टेम्पल बट आई एम नॉट श्योर। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है। ना लोग आई डोंट नो कैसे मैं फोटोज वीडियोस लूंगी, बट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर मोस्ट ऑफ इट। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और सेम थिंग यहाँ पे भी जो मेन एंट्री है टेम्पल का वहाँ पे फॉरेनर का जाना अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ लोकल लोग ही जा सकते हैं। तन्हा लॉट में इतना गर्मी इतना धूप और तो नहीं झेल पा रहे हम लोग, सो हम लोग अभी यहाँ से निकल जा रहे हैं, हम लोग अभी होटल की तरफ बढ़ते हैं, देन मे बी ड्रेस चेंज करके या होटल के आसपास कोई स्पा लेंगे, क्योंकि स्पा एक बार दिमाग में घुस गया है तो वो निकल ले रहा है। यू हैव टू गो।
कर ट्रैफिक में फंसे हैं, क्या बताएं। हम लोग का ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया सब पे। 22 किलोमीटर आना था 2 घंटे से, और गाड़ी है ना ऐसा रुका हुआ है, चल भी नहीं रहा है। हम लोग सोच रहे थे बैंगलोर ही सबसे ज़्यादा फेमस है, बाली भी फेमस है ट्रैफिक। होटल के जस्ट बगल में हम लोग को मिल गया है नूसा पेनिडा आइलैंड टूर के लिए पैकेज, ये है। और यहाँ पे अभी ही इज एक्सप्लेनिंग अस कि क्या क्या होने वाला है, कितना प्राइस है, क्या क्या चीज है इसके अंदर। Papi, in the restaurant, no, no, no. With this? Yeah, this one, yeah? Yeah. Okay. हम लोगों का होटल हम लोग बहुत सही जगह पे लिया है, आसपास इतना बढ़िया बढ़िया मार्केट है कि क्या बताएं। और जस्ट जो सेमिनिया बीच है सामने है, इतना अच्छा जगह पे है। कल रात में आए थे तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए थे कि बीच इतना बगल में है। सो जल्दी से हम लोग क्विक शावर लेंगे और ड्रेस चेंज करके फिर हम लोग वापस बाहर निकलेंगे। अभी नया आउटफिट पहन के हो गई हूँ रेडी, और अभी हम लोग पहले जाएंगे सेमिनियाग बीच, वहाँ पे बीच का मजा लेंगे, उसके बाद हम लोग स्पा लेंगे और शॉपिंग करने जाएंगे। सो स्टे ट्यून। आ गए हैं हम लोग बीच, हम लोगों का ये होटल है और इधर है बीच, मतलब एकदम डायरेक्ट एक्सेस। सेट का मजा तो यही आएगा। वाओ, यहाँ पे बच्चों के लिए सर्फिंग लेसन्स भी सिखाए जाते हैं। सो अगर आपके किड्स हैं तो आप उनको यहाँ पे सर्फ करना सिखाते हो, बिकॉज यहाँ के टाइड्स काफ़ी ज़बरदस्त है। अब देखो वहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। सैम फुल बॉडी मसाज ले रहा है, मैं शोल्डर नेक एंड फुट मसाज ले रही हूँ, जो सबसे मेरा फेवरेट काम है यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे डिनर करने, बहुत ही खूबसूरत सा एक होटल है, और हम लोग के होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पे भी है, जो कि अच्छा चीज़ है। और कैंडल भी है, कैंडल लाइट दे रही है। अभी तक तो जितना फूड खाए हैं बाली में मेरे को अच्छा लगा है, मतलब टेस्ट वाइज मेरे को अच्छा लगा है, ऐसा कोई दिक्कतें नहीं आई जैसे लास्ट टाइम वियतनाम में थोड़ा बहुत दिक्कतें आई थी, बट यहाँ पे कूल और पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो अच्छा ही फूड खा रहे हैं। बाली डे 1 आज का वीडियो यही तक था, बाली डे 2 आइटिनरी देखने के लिए प्लीज बने रहिए हमारे चैनल पे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए श्री सैम व्लॉग्स।